धरती को 2 महीने के लिए दूसरा चांद मिलने वाला है, या यूं कहें कि मिनी मून मिलने वाला है। ये मिनी मून 29 सितंबर से 25 नवंबर तक धरती का चक्कर लगाएगा। हमारे नए चंद्रमा का नाम है 2024 PTS। ये छोटू चंद्रमा करीब 2 महीने तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। आपको बता दें कि असल में ये चंद्रमा एक एस्टेरॉयड है जो अंतरिक्ष में अपनी लंबी यात्रा पर है, लेकिन धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में एक चक्कर यहाँ लगाकर तब आगे बढ़ेगा। इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 10 मीटर है। यह पृथ्वी के निकट 53 दिनों की अवधि में अपनी पूरी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकलने से पहले एक घोड़े की नाल के आकार का पथ अपनाएगा। मैड्रिड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता कार्लोस डे ला फुएंते मार्कोस और राउल डेला फुएंते मार्कोस के अनुसार एस्टेरॉयड 2024 PTS की गति आकार पृथ्वी के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में इस अंतरिक्ष चट्टान को फंसाने के लिए बिल्कुल सही है। मार्कोस ने यह भी कहा है कि ये वस्तु सामान्य शौकिया दूरबीनों और दूरबीनों के लिए बहुत छोटी और धुंधली है, इसीलिए साफ है कि ये घटना नंगी आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देगी, बल्कि मिनी मून को देखने के लिए बड़ी दूरबीनों और विशेष उपकरणों की जरूरत आपको पड़ेगी। इसके निरीक्षण करने के लिए कम से कम 30 इंच व्यास वाले दूरबीन के साथ साथ एक CCD या CMOS डिटेक्टर की आवश्यकता होगी। इसे देखने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली 30 इंच की दूरबीन पर्याप्त नहीं होगी।